नालंदा में बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ कार्यक्रम में शामिल होने तेजस्वी यादव बिहार शरीफ पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार किया, कहा कि अगर नीतीश कुमार बहुत ईमानदार हैं तो बताएं कि ब्रजेश ठाकुर से उनका क्या रिश्ता है, वे ब्रजेश ठाकुर का कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करें, मामला साफ हो जाएगा। उन्हें लगता है कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो जेल भेज दें। जो आरोपी था नीतीश कुमार जी अगर आप ईमानदार हैं तो उसका कॉल रिकॉर्ड मोबाइल का सार्वजनिक कर दो, पता चल जाएगा ब्रजेश ठाकुर कौन कौन नंबर से किन किन मंत्रियों से किन किन अधिकारियों से आपसे क्या क्या बात किया करता था। नीतीश कुमार जी अगर आप ईमानदार और सच्चे हैं तो आप बताइए आपका ब्रजेश ठाकुर से क्या संबंध है, क्या वो आपका राजदार है कि नहीं है, आप उसके बेटे के जन्मदिन पर उसके घर गए थे कि नहीं गए थे, वो जनता दल में पदाधिकारी था कि नहीं था, उसने आपके मंच को संचालन करने का काम किया नहीं था। आप अगर ईमानदार हो तो आप सही में आप आके जनता के सामने जवाब देने का काम कीजिए, अगर जवाब नहीं दीजिएगा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हम पे भी मुकदमा कीजिए कि हम आपको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा नैतिकता केवल और केवल लालू जी और तेजस्वी जी के लिए जागता है। बिना अपराध के हम लोगों का पूरा परिवार पिता से लेकर के हम लोग जो है मुकदमा झेलने का काम कर रहे हैं, केस हो रहा है, मुकदमा हो रहा है। और उस समय हमारे चाचा जी हमको कहते थे कि एक्सप्लेन कर दीजिए क्या मामला है, इस्तीफा दे दीजिए। बताइए जो 13 साल का लड़का जिसका मुंह चिरे क्या घोटाला करेगा, अगर वही लड़का 13 साल में घोटाला अगर करता हो तो 13 साल का लड़का आगे चल के